अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक वाइटनिंग क्रीम के बारे में। एक्चुअली हमें कुछ सन बर्न का प्रॉब्लम था, कुछ हम पूल वगैरह में चले गए थे, पिकनिक पे चले गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा सन बर्न हो गया था, स्किन काफ़ी टैन हो गई थी, कलर डार्क हो गया था। तो हमने ज़रा एक कॉस्मेटिक शॉप पे जाके फरमाइश की कि हमें दी जाए कोई स्किन वाइटनिंग क्रीम। तो उन्होंने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दी है, यह हैवन डर्व वाइटनिंग क्रीम प्रोफेशनल विथ कैरेटिन। ये देखिए, ठीक है, अभी हमने इसको इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ जो है बता रहे हैं कि जो ये क्रीम है ये स्किन कॉलेजन ख़त्म कर देगी, पेनिट्रेट डीप स्किन था ये कॉलेजन, पेनिट्रेट डीप स्किन, हाइड्रोलिक एसिड इसमें मौजूद है और ये स्किन का वाटर लॉक कर लेती है सरफेस फॉर द स्किन। ये देखिए, काफ़ी कुछ ये ऑफर कर रहे हैं कि इसके स्किन के इस्तेमाल से फलाना 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 हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इस्तेमाल किया नहीं है। सन बर्न के लिए हमने इसको वक्ती तौर पे लिया है। अभी देखें इसके, ये इस तरह से बॉक्स है, ठीक है जी, ये भी हो गया। ये देखें इस तरह से क्रीम है, ठीक है जी। अभी हम इसको खोल के देखते हैं ये है कैसी है और इसकी, अच्छा इस पर एक और सील है, ये देखिए इसको हम खोलते हैं। ओहो हो, स्किन क्या खुशबू काफ़ी अच्छी है। इसको हम लगा के देखते हैं कैसी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना वाइट कास्ट छोड़ रही है, लाइक थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट वाइट कास्ट के साथ है। तो आई डोंट नो इसमें सन ब्लॉक ऐड है या नहीं है। मोस्टली जिन क्रीम्स में सन ब्लॉक ऐड होता है वो ज़्यादातर वाइट कास्ट छोड़ती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये देखें वाइट कास्ट छोड़ रही है। तो अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखें, ये है प्रोफेशनल क्रीम, हाइड्रेट रिपेयर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये भी ऑफर कह रहे हैं कि ये भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। मैंने आपको पहले भी एक रिव्यू दिया था एवलिन के मॉइस्चराइजर क्रीम का, तो वो तो मैंने इस्तेमाल करी, वो तो बड़ी बेस्ट थी, बहुत ही बेस्ट थी एवलिन की ना, लेकिन ये हेवन डर्व है। अच्छा, इसका मेड जो है, अच्छा ये देखें, क्लेम कर रहे हैं ये कि ये स्किन को ब्राइटन करेंगे और लॉक करेंगे स्किन को, डीप वाटर को, और हाइड्रेट और नरिशमेंट देंगे स्किन को। इनका जो है जनाब, मुझे मेड इन पीआरसी। अब आप अच्छी तरह समझते हैं मेड इन पीआरसी का मतलब क्या होता है, तो बस समझ जाइए क्या होता है जी, हमने आपको बता दिया है। अच्छा, हांगकॉन्ग याजी ट्रेड ग्रुप लिमिटेड, ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको बताएंगे किस तरह रहती है, इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। अप्लाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ द होल फेस नेक एंड मसाज अंटिल अब्सॉर्ब आफ्टर द क्लेंजिंग। अच्छा, चेहरा जो है धोने के बाद आपने चेहरे और गर्दन पे अच्छी तरह लगाना है जब तक ये जस्ट ना हो जाए। दिस प्रोडक्ट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, जाहिर सी बात है क्रीम है, हम इसको चेहरे पे लगाने के लिए ले रहे हैं, क्या मसला है इनको। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फलाना फलाना फलाना, दफ़ा करें। तो जनाब, ये क्रीम है हमने सन बर्न के लिए फ़िलहाल ली थी कि जो स्किन टैन हो गई है पिकनिक की वजह से या वाटर पूल की वजह से, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शॉपकीपर ने हमें बड़े एतमाद से ये जीत दी है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप बताएंगे कि ये क्या क्या क्लेम कर रहे हैं और एक्चुअली होना क्या है इनके क्रीम से। तो बस ये रिव्यू आज तक यहीं पर ही था, फिर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ज़रूर आपको बताएंगे, और अगर बेस्ट निकले तो वो तो हम आपको बता चुके हैं आज इसकी तारीफों में कि ये क्या 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 कम जो है क्लेम कर रहे हैं। तो बस बात यहीं पर ख़त्म होती है। ये है हेवन डर्व की, तकरीबन 600 रुपीज़ की मुझे मिली है, पाकिस्तानी, फ़िलहाल ये इतने की है, जब तक आप लेंगे मुझे नहीं पता कितने की होगी। तो बात आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली नई किसी वीडियो में किसी नए रिव्यू किसी नई प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए हमें दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।